नमस्कार दिस इज कपिलेव शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश बाय शर्मा फॉर अनदर सेशन ऑन इन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे बचपन में कभी अनसीन पैसेज कहते थे कपिलीडिंग हाँ, आज हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं हर एग्जाम के हिसाब से उनका लेवल डिफर जरूर करता है तो मैंने एक प्ले बनाई है जहां पर ये सारे आरसीज मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड किए हैं विद आंसर्स एंड डिस्क्रिप्शन और कुछ वीडियोस जहां पर सिर्फ क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर्स एंड डिस्क्रिप्शन तो ये भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, दो आरसी में पिछले वीडियो में समझा चुका था आप वहाँ चेक कर सकते हैं और दो आरसी मेरे इस वीडियो में रहेंगे जो उस सेकेंड प्रैक्टिस सेट के रिमेनिंग फ्रैक्शंस थे अगर आप नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहां पर मिल जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन जो है स रीअरेंजमेंट एंड ग्रामर नाउन प्रोनाउन एडजिकल इन डिटेलिश फॉर एवरी एग्जामिनेशन आई शुड से ये जनरल एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम में कॉम्प्रीहेंड करने के लिए हेल्प जरूर करेंगे छोटी मोटी बात है कि आप चाहे तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय हाँ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल रहेंगे फेसबुक पेज चाहे तो लाइक कर सकते हैं विद द नेम इंग्लिश बाय बायिलेव शर्मा एंड आई एम अ प्लस एजुकेट इन द बैंकिंग स्ट्रीम एट अन अकेडमी इंडिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लीज ज्वाइन मीट एन अकेडमी जहां पर कई पेड क्लासेस रहती हैं फाइन इन द बैंकिंग सेक्शन और कई क्लासेज फ्री भी रहती हैं तो जहां पर आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिस सेशन के द्वारा और हाँ अगर आप प्लस प्लस uh, पर आना चाहें अन अकेडमी प्लस तो किसी भी चीज का फॉर बैंक एस एस सी यूपीएससी इंडिया डिफेंस नेवी एयरफोर्स ईटीसी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड दैट इज कपिल सर अप्लाई करने के बाद फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको हमेशा किए बहुत जल्दी बोल दूं हर वीडियो में इन चीजों को नहीं कहूंगा अगर आप नए हैं और वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम माय साइड तो एक बार फर्स्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा जहां पर ये सारी डिटेल्स आपको डिटेल में बताई है कहना अच्छा नहीं लगता वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है इस वजह से इन शॉर्ट कहना चाहूं कि कॉम्प्रिहेंशन किसी भी पैसेज के लिए आप सब जानते हैं क्या चीज़ है मेरा कहना बस ये है कि अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए मूवीज की चीजों को हम तीन घंटे से पंद्रह मिनट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वैसे ही एक ढाई पेज के पैसेज को सिर्फ 15 से 20 लाइंस में कॉम्प्रहेंड किया जाना चाहिए हर स्टेटमेंट इन्फॉर्मेटिव नहीं होता जो चीजें मेन कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती हैं उनको ध्यान रखिए फिगर्स हैं स्टेटिस्टिक्स हैं उनको ध्यान रखिए बाकी कुछ स्टेटमेंट्स को आप आरसी से ड्रॉप कर सकते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है एक बार पैसेज पढ़ लीजिए डिटेल में पढ़िएगा उसको जिससे कि आपको हर कॉन्क्रीट डिटेल की जानकारी जरूर रहे और हां नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते वक्त बिकॉज पूरा पैसेज है ध्यान दीजिए कौन सी चीज किससे रिलेटिव है किसके ऑपोजिशन में है कोई एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस है थियोरी है या फिर कुछ क्वेश्चन जरूर किया है जिसका आंसर कहीं बाद में डिफाइन किया होगा या पुरानी किसी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट या फिर सपोर्ट किया है तो ये चीजों से आपको लिंक मिलती है कि कब उस पैसेज की टोन थीम चेंज होती है हाँ प्रैक्टिस का कोई तोड़ है ही नहीं तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन उतना ईजी हो जाता है हमेशा की रिक्वेस्ट जो माने उसके लिए कि जितने हायर स्टैंडर्ड एग्जाम के आप आर सी सोल्व करते हैं आपके एग्जाम का उससे छोटे का आर सी हंड्रेड परसेंट अचीव किया जा सकता है जी हाँ तो अगर आप एस एस सी के एग्जाम के हैं कुछ बैंकिंग के आर सी सोल्व कर लीजिए आपके एस एस सी के आप हंड्रेड परसेंट आर सी एग्जैक्टली करेक्ट सोल्व कर सकते हैं बाकी आपकी मेचोरिटी आपके हाथ ये कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लगभग हर एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए आई रिपीट के मैं फर्स्ट आर सी पूरा समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आपको वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन मैं सेकंड आरसी भी आपको डिटेल में समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में ही तो आप एक बार इसका पिछला वीडियो सेट चेक कर लीजिएगा दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दैट आरसी मूव इन अहेड फॉर द थर्ड वन जो उस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन दिए थे the excitement of bird watchers on spotting a particular species for the very first time is unparalleled with eyes shining and pride bursting they exclaim i had a lifer today or it was a lifer for me for the longest time i couldn't fathom but i a word what all the fuss was about i mean at some point in their lives even a crow or myna. आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं और आज इसका मतलब यही होता है कि मिनिमम रिसोर्सिस की सहायता से किसी काम का मैक्सिमम आउटपुट लेना जिसमें हम इंडियन तो काफी माहिर हैं जुगाड़ आज इंग्लिश शब्द है आप ही की हिंदी से लिया है With the term and define it as a bird, you may, maybe, but not necessarily for the very first time, but which has made a lasting, life-changing impact on you. And then I. ई ओन लाइफर्स ठीक है तो कुछ बर्ड्स को देख कर स्पेशली अगर आप किसी ऐसी बर्ड को फर्स्ट टाइम देखते हैं जो आज से पहले देखी ना गई हो तो जो उनको देखने वाले होते हैं जो लोग अच्छे अच्छे इनमें जाते हैं उनके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह काम कर सकता है उनको नहीं पता था शुरू में लेकिन हाँ ये चीज़ समझ में आ गई अब शायद उनके खुद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं नंबर वन इज द लिटिल कॉपर्स विथ पाबेट द फस्ट बर्ड आय saw brand through brand new big and powerful binoculars. It was solely responsible for getting my interest in birds. The fellow looked like a tubby little clown, unika description here with hiccups and that just blew me away. I'll never forget the first time I saw grey hornbills aeons ag ago, jo bhi likha hai, over sullen grey skies in the Borivali National Park now called Raj I'm sorry, Sanjay Gandhi National Park. Squealing As as they 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 flew high up across the the sky, they looked as if uh, they had just left Jurassic Park. Or, for the matter, their larger, more glamorous cousins, great pied hornbills, stamping through the steam bed in kalagad near कॉबेड बहुत सारे इन नेशनल पार्क्स के नाम है बिकॉज बर्ड्स को अक्सर वहीं पर मिलते हैं कॉन्टेक्स दिखता जाएगा कौन सी बर्ड मेरी फर्स्ट थी किसको मैंने कहा देखा था किस पार्क में बिकॉज अक्सर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं We suddenly heard this rasping, sound up there in in the 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 clear clear blue. blue seven huge black and white birds with colossal yellow beaks flying in the tandem across the clear blue sky with their wings making the rasping sound. काफी विदोजल तो मुझे पता है काफी वर्ड ऐसे हैं जिनके मीनिंग नहीं पता अगर, 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 अगर में पूछे हैं तो फिर मैं पैसेज से जज कर लूंगा अदरवाइज मुझे क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो अवेलेबल हैं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसको मैं डीपली उन वर्ड्स की मीनिंग देखू से पेराडाइज फ्लाई कैचर

With its clamorous 18-inch steamer tail, was at the Sultanpur National Park in Haryana. But I remember better the flycatchers that maybe run around in a tea garden in Palampur, teasingly whistling at me from one end to the other. The nesting pair in uh, Naku Chiyatal, bhi hai, maaf ki ka pronunciation ke liye, was more accommodating, except that I had to stand knee-deep in the hotel's garbage dump. Oh my God! To get a good view of them. Flitting to and fro the gully nearby. To compensate, one actually flew nearly down to my fleet to snatch up a blue bottle I had missed. Wow. Of course, there have been uh, rarities. The highlight of the regular Bharatpur, the Kevladev National Park visits, was the darshan of Darshan B. <laughs>

and took to their wings was a lesson in being, put, in being put in our place now not only does the sanctuary not exist anymore but those magnificent magnificent masculine masculine birds are crashing to total extinction okay पैसेज uh, की थीम के हिसाब से बर्ड्स की बात की है ये बात शो है और इन बर्ड्स के लिए दिखाया गया है कि अगर कोई किसी बर्ड को पहली बार देखे जिसके बारे में कोई ना जानता हो तो उसके लिए तो भाई बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन रैस होते हैं जो इस पेज से भी कहे जा सकते हैं मेरा राइटर का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मैंने फर्स्ट बर्ड ये देखी जो इतनी टॉल थी उसकी बीक इतनी बड़ी थी ये सब मेंशन किया उन्होंने इन इन नेशनल पार्क्स में जाकर मैंने इन इन बर्ड्स को ऑब्जर्व किया इन समथिंग लाइक दैट मुझे ये वहाँ पर मिला सबसे बढ़िया व्यू मेरा ऐसा था पैराडाइस फ्लाई कैचर को देखने के लिए लोग क्या क्या नहीं सोच सकते बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में कई बर्ड्स आज एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं विलुप्ति की कगार पर हैं एक करेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश में जो है जो शायद अब हो है ही नहीं लेकिन बर्ड्स एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं ये एक थीम रही जो मैंने समझी मेरे वर्ड्स में डिफरेंस हो सकता है अब द क्वेश्चन हाँ मैं पहले बात कर दूं कि ये सीपीओ में पूछा गया था एस एस सी के ही द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अच्छे स्टैंडर्ड से एस एस सी सी पी ओ ने से पूछा था एक अच्छा पैसेज मुझे लगा एस एस सी स्टैंडर्ड से बैंकिंग वाले देख रहे होंगे तो शायद आपके लिए बहुत ईजी होगा माफ कीजिएगा

द फर्स्ट टाइम आई सॉ बिकॉज यहाँ पेयर लिखा है ध्यान रखेगा। अब आपको पेयर के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए तो पेराडाइज फ्लाई कैचर आपने बर्ड का नाम मैं दिया द फर्स्ट टाइम आई सॉ अल ग्रोन मिल्क व्हाइट ब्लैक मेल आपने यहाँ पर उसका मेल दिखाया है यहां पर फीमेल यानी बर्ड का जिक्र पहले से है और शायद इस बात के बाद कहा जा सकता है कि ये पेयर आपने वहां पर देखा होगा तो मेरा आंसर होना चाहिए कि जो फ्लाई कैचर है पेराडाइज फ्लाई कैचर इनके पेयर को मैंने देखा था और मैं बच गया मैं सही था बिकॉज कॉपर का जिक्र वहां पर नहीं है हॉर्नबिल का का जिक्र जिक्र नहीं नहीं है है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वहां पर पैराडाइज आई रिपीट आंसर क्यों होगा बिकॉज आपने पेयर देखा था आई रिपीट एक बार क्वेश्चन मैं भी देख लू विच पेयर ऑफ द बर्ड एक्सैक्टली अब मुझे क्या देखना भाई मुझे लगा बर्ड्स कौन सी दिखियां वहां तो उन्होंने एक्जैक्टली exactly पूछा है पेयर ऑफ बर्ड्स और पेयर मैंने किसका देखा है जिस बारे में बात हो रही होगी आई रिपीट अगर किसी को अकवर्ड लगे पैराडाइज फ्लाई कैचर को मैंने वहां पर देखा था और पहली बार जिंदगी में मैंने उसका मेल वर्जन भी देखा तो मुझे मेल भी दिखा मुझे फीमेल भी दिखा होगा इन दोनों का जो पेयर था इन दिस वाज मोर दिसकोडेटिंग एक्सेप्ट मुझे इनके लिए इस तरह से खड़ा होना पड़ा इनके फोटोज कैप्चर करने के लिए बाकी किसी और बर्ड का आपने जिक्र नहीं किया है एक बार नजर और जाए तो देखूं आई रिमेंबर बेटर द फ्लाई कैचर्स ध्यान रखेगा फ्लाई कैचर्स मतलब प्लूरल शब्द है दो की बात होगी यहां पर सिर्फ कैचर है उसका मेल भी हो गया तो फ्लाई कैचर हो गए इन शॉर्ट इसी चीज को पेयर लिखा है हंड्रेड परसेंट वैसे तो मैं आंसर देख चुका हूं बट एग्जामिनेशन में जज करने के लिए फ्लाई कैचर को ही आप पेयर कह सकते हैं मेल एंड फीमेल मेरा आंसर सही है आपने किसका पेयर देखा था पैराडाइज फ्लाई कैचर या विच वर्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट विद्यूज यलो बीक फर्स्ट पैसेज की कहीं लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन में ऐसा कुछ जिक्र है ब्लैक एंड व्हाइट विद ह्यूज यलो बीक साइबेरियन पैराडाइज ये तो नहीं होना चाहिए ये तो मैंने अभी देखा है ग्रे और चलिए चेक करते हैं पैसेज क्या कहता है। ये लिखा हुआ यहां पर कि क्लीन ब्लू स्काय सिक्स सेवन ह्यूज ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड्स येलो बीक्स फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई अच्छा इनका नाम ही जिक्र नहीं है यहां पर तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं टैंपिंग

और जब मैंने ऊपर देखा अब इन द क्लीन ब्लू स्काई मान लीजिए हमें छह सात ऐसी बर्ड्स नजर आई बड़ी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट विद येलो बीक्स फ्लाइंग इन अक्रॉस द क्लीन ब्लू स्काई ब्लू स्काई मस्ट बी दिस वन दी आंसर ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स बिकॉज बीच में किसी और बर्ड का जिक्र नहीं है अगर ऑप्शन में है फोर्थ वन मेरा आंसर फोर्थ वन है लेट्स लुक आंसर सही है ओके कॉम्प्रहेंशन भी इजी है अभी भी कहूंगा आपका स्टैंडर्ड क्या है आपके एग्जाम का वो माफी चाहूंगा किसी के लिए ये भी डिफिकल्ट हो सकता है एसएससी में इसी तरह के पूछे जाते हैं इससे भी इजी पूछे जाते हैं लेकिन हाँ जनरली अगर आप कॉम्प्रहेंशन इजी कर लेते हैं हाँ एक चीज जरूर माफ कर दूं कि आपको टाइम लग सकता है सर बहुत टाइम लगता है बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए शायद वो टाइम आपको कंज्यूमिंग नहीं लगेगा बहुत जल्द आप इनको इंप्रूव कर पाएंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे हथेली पर राय नहीं जमती दो चार पैसेज पढ़ने के बाद अपनी स्पीड इंप्रूव नहीं कर सकते आपको प्रैक्टिस करनी होगी विच डॉट मीन फॉर मुझे पहला पूरा पैराग्राफ 'लाइफर' के बारे में है है, कि जब कोई किसी को पहली बार देखता है, कुछ ऐसा होगा अ बर्ड यू सी फॉर पहला आंसर हो सकता है लेकिन एक बार आरसी देख लेते हैं बेहतर होगा अ बर्ड विच इज बिकमिंग एक्सटेंट ना, ये तो बिल्कुल नहीं है बर्ड विच मेक्स चेंजिंग इंपैक्ट ऑन यू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लाइन शायद वहां पर लिखी है बर्ड दू लव लव हो सकता है मुझे नहीं पता ये तो हो सकता है एक गलत है तीन ऑप्शन है मेरे पास किसी को पहली बार देखना लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट जैसे कुछ लिखा है मुझे याद है और दैट यू लव तो एक बार लाइफर शब्द का डिस्क्रिप्शन ऑथर क्या लिखते हैं फर्स्ट पैसेज में है द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड वॉचर्स ऑन स्पॉटिंग पर्टिकुलर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज तो ये बात सही है कि फर्स्ट टाइम देखने की आपसे जिक्र किया है फर्स्ट टाइम किसी बर्ड को देखना आपके लिए बिल्कुल अनपैरल्ड हो सकता है

आंसर है बट अधूरा कहिए, बिकॉज इसके अलावा भी उन्होंने उसमें कुछ ऐड किया है एडिशनल है बट विच हैड मेड अ लास्टिंग Impact on you. उसे आप लाइफर कह सकते हैं जो चीज आप पहली बार देखते हैं उसको आप लाइफर कहना चाहेंगे सो so, ना मुझे याद है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था जिससे आप पहली बार देखते हैं और सी में लिखा हुआ था जिसको पहली बार देखते हैं प्लस उससे कोई लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट जैसी चीज है प्रेफरेंस सी को जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के हिसाब से या।

बट ऑथर पैसे है तो ऑफकोर्स मुझे वहीं से पिक करना होगा ठीक है डाउट्स है ऑब्जेक्शन है आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं विदरी मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग अच्छा ऐसा भी आता हर चीज में वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता ऑनस्टली नहीं पता टीम हो सकती है ए ऑन्स जैसा कुछ था Understand हो सकता है और टैंडम एजेस टैंडम तो मुझे याद भी नहीं है पैसेज में कहीं था था या नहीं था, ages. एक बार चेक करते हैं मुझे याद है फर्स्ट पेज पर ही है कहीं फैथम टीम हो सकती है अंडरस्टैंड हो सकता है एजेस हो सकते हैं पर इस शब्द का जिक्र है थर्ड लाइन sure. yep. में लिखा है लॉन्गेस्ट टाइम काफी uh, मेरे लिए वो लाइफर था कुडंट फैथम व्हाट ऑल द फर्स्ट वाज अबाउट तो आप भी अगर इसको पढ़ेंगे कि ये लाए, लोग लाइफर वाइफर कहते हैं इन चीजों से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं इसको ऐसे कह कि बहुत लंबे समय तक आई कुडंट फैथम वॉट ऑल द फर्स्ट वॉज अबाउट ये चल क्या रहा है मुझे

और अंडरस्टैंड जैसा शब्द मेंशन है तो मेरा पहला आंसर हुआ का मतलब वहाँ पर understand से था समझने से था आई आई आईन गेट कह दीजिए तो मैंने जल्दी से एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करने के लिए टाइम सेव करते हैं ए टू के साथ लिंक है ये बात शो है बिकॉज टीम नहीं थी वो एजेस भी नहीं थे ए टू फर्स्ट हो सकता है ए टू हटा दीजिए गलत है ए टू थर्ड हो सकता है ए थ्री ये गलत है अब एक और चेक कर लेते हैं या तो बी की पेयरिंग वन के साथ है या फिर बी की पेयरिंग थ्री के साथ है जो भी क्लिक हुआ वो आंसर होगा एक और को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे याद है फर्स्ट ही पेज पर इस ए ई ओ एन एस शब्द का जिक्र था और शायद आधे पेज पर इसका जिक्र है ऑप्शन ले लेते हैं टीम दिखाएगा या फिर एजेस दिखाएगा ठीक है चलिए फर्स्ट ही पेज पर इसका जिक्र है फर्स्ट टाइम आई सॉ ग्रे हॉर्न बिल्ज

तो मेरा आंसर है कि फैथम मैं समझ ही नहीं पाया ये चल क्या रहा है लंबे समय तक अंडरस्टैंड हो गया यानी कि ए का लिंक टू से है और ये एजेस को डिफाइन करेगा यानी बी के लिंक थ्री से है बी थ्री सी मस्ट बी दी आंसर नो नीड टू वेरीफाई सी वन के साथ है या फिर नहीं है वो एक ही चॉइस बची है लेट्स चेक अफकोर्स सी इज दी आंसर ठीक है पांच क्वेश्चन होने चाहिए जो मैंशन हो चुके हैं तो आशा अच्छा रखता हूं इस बहाने आपको कुछ समझा एक और पैसेज है देख लेते हैं ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है डिफेंस एयरफोर्स नेवी इन एग्जाम्स के लिए बेहतर होगा हाँ बैंक के लिए बहुत इजी रहेगा एसएससी का स्टैंडर्ड जनरली इतना है इंप्रूव तो वो हर साल करते रहते हैं मूविंग ऑन ऑन टू द नेक्स्ट नथिंग नॉट इवन एंग्री रेड हर फेस एंड बॉडी विल स्टॉप स्नेहा फ्रॉम एमिंग फॉर हर ड्रीम जॉब आई लव द इंडियन आर्मी बिल्कुल जी says the 18-year-old as she sits by herself under one of the canopies at the Chhatrapati Shivaji Stadium of Maratha Light Infantry Regiment Center in Karnataka. Outside the enclosure, around 35 women run on the 400-meter track. A day earlier, Sneha cleared her ground test, a 1.6-kilometer race that had to be completed in eight minutes or less. हाई जम्प एंड लॉन्ग जम्प एज वेल एंडल वेल वेन शी वॉज डायग्नोज विद चिकन पॉक्स ओके कई मोटिवेशनल स्टोरीज ऐसी सुनी होती है इंसान वहां तक पहुंच जाता है उसके बाद कुछ हो जाए जो उसे रोक लेता है शायद वन ऑफ देम मुझे याद है ये एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड नाइनटीन ने पूछा है टीयर टू

आइसोलेटेड फ्रॉम दी अर वुमेन स्नेहा सेज आई हैड नो फीवर वेन आई लेफ्ट होम एन केरला अच्छा इसका मतलब वो केरला से है बेंगलौर के स्टेडियम पर बैठी हुई है वहां पर टेस्ट वगैरह के लिए इवन वेन आई रीस्ट बेलगवी जो ये हा इसी का जिक्र है

अगर कोई चाहे तो क्या नहीं कर सकता और स्नेहा एक 18 ईयर ओल्ड जो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी अपने घर से 611 किलोमीटर 8 घंटे बस में और 3 घंटे लगभग ट्रेन में ट्रैवल करके वहां पहुंची सारे टेस्ट भी क्लियर कर लिए 1.6 की जो रेस थी वो भी क्लियर कर ली अचानक से चिकन पॉक्स उनको हो गया और शायद उस वजह से उनको कुछ झेलना पड़ा हो लेट्स हैव द नेक्स्ट हाफ as personnel of the military police, the women soldiers will be responsible for investigating offences such as molestation, theft, rape, etc. assisting in the maintenance of good order and discipline and in custody and handling of prisoners of war, uh, essentially combat support operations. the move is part of a slow opening up of avenues for women in the armed forces. To of course, the is aap, negative aise, aise aap, uh, indian armed forces is women ko bhi post in his Independence Day speech last year, Prime Minister Narendra Modi had said, women officers recruited into the armed forces under the Short Service Commission would be given the option of taking a permanent commission Kya hai? a gift to India's brave daughters. Of course, respect to this line. Following a notification issued by the army on 25th of April, Pandhara Hazar women registered for the recruitment really yet that there the first of five such to be held across india to fill the 100 positions in military force the center catered to candidates from the southern states of karnataka kerala tamil nadu andhra pradesh telangana and union territories of lakshadweep andaman and nicobar puducherry sorry of the 1500 aspirants about 300 were shortlisted on the basis of their class 10 marks with the cutoff set about 86% on the shortlisted candidates, about uh, one-third turned up for this center between 1st and 5th August at the same time assigned to them. Just then, outside the enclosure where Sneha is sitting, a shrill whistle pierces the air and another batch of girls takes off. Fleet on the wet ground, mostly bare, nange pair, making a dash for their place in history. Does anybody, everybody understand English? अगर कोई भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है वुमेन के लिए मैं स्नेहा के एग्जाम्पल के तौर पर रखा वो तो वहां पहुंची थी उनके अलावा पंद्रह हजार और वुमेन वहां पहुंची जो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरेटरीज से थी लास्ट ईयर की किसी स्पीच में मोदी जी ने भी कहा होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सॉरी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तरह से आपको ऑप्शन होगा टेकिंग अ परमानेंट कमीशन आपको मिल जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन से आपको परमानेंट में शिफ्ट किया जा सकता है एक गिफ्ट कह दीजिए इंडिया की ब्रेव डॉटर्स के लिए बाकी कुछ फिगर्स हैं अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो देख लेंगे लगभग 86 परसेंट कट ऑफ था 15,000 के आसपास लोग पहुंचे थे वन थर्ड इनमें से क्वालिफाई कर पाए थे एक से पांच अगस्त को उनको वहां बुलाया गया था स्नेहा वहां पर बैठी थी जो चिकन पॉक्स वगैरह वो फर्स्ट पैसेज दिखा चुका था चलिए

फर्स्ट हाँ, पैराग्राफ में जो स्नेहा के बारे में जिक्र है इसके अलावा और भी लड़कियां सेवरल हंड्रेड किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंची तो स्नेहा आई होप सो एक एग्जाम्पल है जिसके बहाने इंडिया की ब्रेव डॉटर्स को एक अच्छे स्टेप के लिए मेंशन करना चाहा है, ये मेरी सोच है बाकी हम क्वेश्चंस और उनके ऑप्शन से चेक करते हैं माइट बी हाँ रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्मी होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी ना 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 ये पूरे पैसेज का थीम नहीं है मेडिकल एग्जाम की बात नहीं की गई है स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द वुमेन ना ना स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है वो तो उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक इवेंट रखा गया था एन असेंबली ऑफ वुमेन पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी ना इंडियन आर्मी की वुमेन की बात ही नहीं हो रही अब तो मेरा फर्स्ट ही आंसर जायज है किस तरह आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में और बाद में मोदी जी के रिसेंट स्पीच के हिसाब से आप उसको परमानेंट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक गिफ्ट है इंडिया की ब्रेव डॉटर्स के लिए तो यस ऑफ कोर्स एक बार चेक करूं मेडिकल नहीं है स्पोर्ट्स नहीं है ना ना फर्स्ट वन मस्ट बी आंसर इतने डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं जी हां एस एस सी सी जी एल टीयर टू टू थाउजेंड नाइनटीन में से पूछा गया ओके चलिए सिटी स्नेहा फ्रॉम मुझे सिटी याद नहीं है लेकिन केरला से थी ये मैंने वहीं पिक कर लिया था जो कर्नाटक पहुंची थी इस आ, इवेंट में एक तरह से फिफ्टीन थाउजेंड और भी जहां पर रही उनकी केरला ओ माई गॉड केरला 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 तीन ऑप्शन है आ, यहां तो वो पहुंची थी कहां से आई थी वो नहीं है तो फोर्थ वन ट्रैप हो सकता है जिसमें हमें नहीं फंसना कन्नौर हो सकता है कोजी कोडे ये तो शायद था ही नहीं पैसेज में माफी अगर हो तो और एरिटी प्रॉबेबली सी और वन तो मैंने देखा ये दो शब्दों का जिक्र है एशी वेट्स टर्न आई नो फियर लेफ्ट माई होम इन केरला ये तो मैंने भी देख लिया था इवन वेन आई रीज यहां पर मुझे पिंपल्स हो गए थे लिखा हुआ है स्नेहा अ कंप्यूटर कोर्स इन होम टाउन एरिटी जो भी कीजिएगा या कहां से केरला से और यह थर्ड ऑप्शन में था दिस मस्ट बी माई आंसर एंड दैट गिवन ठीक है तो चेक कर लेते हैं और वो सही भी है एग्जैक्टली लिखा है तो फिर क्या शिकायत है वाई आर द इराप ऑन स्नेहा फेस शी इज टायर्ड एंड हॉट आफ्टर द ना 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 वो तो क्वालिफाई कर चुकी है इंडिया की ब्रेव डॉटर है भाई शी हेज पिंपल्स ऑन अ फेस जी हाथ थे शी हेज गॉट द चिकन पॉक्स बेहतर ऑप्शन है पिंपल्स थे

मुझे याद है शायद एट फिफ्टी या फिफ्टीन थाउजेंड के अमंग द 850 फिफ्टी ऑड विमेन मेनी ऑफ होम हैव ट्रेवल्ड हंड्रेड किलोमीटर रिक्रूटमेंट रैली जिसका जिक्र क्वेश्चन में पूछा था फॉर वुमेन ऑफ दिस इन दैट और इसी का जिक्र है फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट स्लाइड के हिसाब से सो आई थिंक सो 850 कहीं ऑप्शंस में है जिसको आपको मेंशन करना होगा दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन एक बार वापस करूं शी इज अमंग द 850 ऑड वुमेन मेनी ऑफ whom हैव ट्रैवल्ड सेवरल 100 किलोमीटर जो फर्स्ट एवर रिक्रूटमेंट रैली जो थी और मुझे याद है क्वेश्चन में इसी रिक्रूटमेंट रैली really का जिक्र है कितनी लोगों ने

वॉट गिफ्ट वॉज अनाउंस बाई पी एम फॉर द ब्रेव डॉटर्स ऑफ द कंट्री जितना मुझे याद है गिफ्ट थी कि आपको एस एस सी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन से एक परमानेंट बेसिस पर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एज अ गिफ्ट ये exactly वर्ड एग्जैक्टली लिखे थे ऑप्शन देखते हैं विमेन विल बी रिक्रेटेड आनफोसिस में ना 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 आपको शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन पर भेजना यह ठीक है, है बट इससे बेहतर ऑप्शन होने चाहिए सोल्जर्स मिलिट्री नाना इसका जिक्र नहीं है सेकेंड नहीं है फर्स्ट हो सकता है वेन बी एबल टू ऑप्ट फॉर परमानेंट कमिशन इन द आर्म फोर्स या थर्ड वन इज दंसर दे हैव एन ऑपरचुनिटी टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव मिलिट्री ड्यूटीज नाना उनको मुझे याद है एक बार वापस चेक भी कर लेता हूं कि हाँ उनको शॉर्ट से परमानेंट पर जाने की बात की थी या फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन वुड बी एबल अच्छा ऑप्शन भी है सॉरी ऑप्शन है ऑप्ट वहां लिखा हुआ है विल हैव ऑप्शन और विल बी गिवन दफ टिंग कमिशन ऑफ अ गिफ्ट टू इंडिया वर्ड है दिमाग नहीं लगाना साधा सा आपका थर्ड आंसर है एंड दैट इज

उजेंड वेमेन रजिस्टर्ड फॉर दर रिक्रूटमेंट ना 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 फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वेमेस्टर्ड आठ सौ पर थाउजेंड तो है ही नहीं जितना मुझे याद है एक बार चेक करूं वन थर्ड है फर्स्ट बिल्कुल हंड्रेड पोजिशन टू बी फिल्डअप चेक करते हैं यस इट इज हि देखिये फिफ्टीन थाउजेंड विमेन रजिस्टर्ड

तो मेरा आंसर फोर्थ वन है जो कि गलत है एंड दैट इज करेक्ट चलिए पिछले प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जो मैंने आपको शेयर किया था चारों आरसीज़ में करा चुका हूं इन टोटल आई होप सो ये छह से सात आरसी या आठ आरसी शायद मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं आपका सपोर्ट रहेगा आरसीज पैरजल और इन फंक्शनल क्लासेस के लिए तो मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करूंगा अदरवाइज जैसा आप चाहें हाँ आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल से प्लेलिस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं फॉर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स एंड एडवर्ब्स ग्रामर के लिए फॉर वन वर्ड्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स इडियम फ्रेजेस वोकैबुलरी के लिए और आपकी फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी के साथ साथ पैराजल्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स आर सीज क्लोज टेस्ट ई टी सी आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर चेक कर लीजिएगा छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा जहां पर मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और आपकी डाउट्स के आंसर्स या क्वेरीज आपकी आप पूछ सकते हैं फेसबुक पेज आप चाहें तो प्लीज लाइक like कर लीजिए इंग्लिश बाय कपिल शर्मा और पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम सो प्लीज फॉलो मी एट एजुकेडमी कपिल देव शर्मा द आप मेरी फ्री क्लासेस भी वहां पर देख सकते हैं कुछ पेड वर्जन होते हैं जो रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस रहते हैं तो अगर आप बैंकिंग स्ट्रीम के हैं वुड लव टू सी यू एट अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर के एक बार पे करने के बाद आप कितने भी टीचर्स से कितना भी पढ़ सकते हैं तो वो पेमेंट बहुत कम है एक बार जाकर जरूर चेक कीजिएगा और ना सिर्फ बैंक किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कपिल सर एन यूल बी गेटिंग फ्लैट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट और आपके लिए फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर रहेगा थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर द दजमेंट एंड सपोर्ट दिस इज कपिल देव शर्मा ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई कपिलव शर्मा थैंक यू